नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का नमस्कार। स्वागत प्रणाम है आदाब, जवानी वंदे इंग्लिश मातरम, कैंपस भारत प्रोग्राम माता की में। जय। प्यारे बच्चों, और डेली साथियों, का मित्रों, टैगलाइन सभी हमारा का क्या हो रहा है? प्रणाम प्रणाम आदाब, आदाब, वंदे वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, और डेली साथियों, का मित्रों, टैगलाइन हमारा सभी क्या हो रहा है? प्रणाम आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, और डेली का टैगलाइन हमारा क्या हो रहा है? प्रणाम आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, और डेली का टैगलाइन टैगलाइन हमारा हमारा क्या क्या हो हो रहा रहा है? है? प्रणाम आदाब, वंदे कोई मातरम, समझा डेली का नहीं। टैगलाइन हमारा सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं, मतलब एकदम लेना है तो लेना है, चाहे जो करना पड़े, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। क्या दिया हुआ है? एसएससी एमटीएस सीट नंबर 14 होगा। इससे पहले आप 13 कर चुके हैं, अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, बहुत बच्चों का हो चुका है, बहुत बच्चों का होगा, तो जिनका नहीं हुआ है पूरे ध्यान से दें, और जिनका एग्जाम हो चुका है उन्हें मालूम होगा आपने गलतियां कहां पे करी है, आपसे गलतियां कहां पे हुई है ना। तो अगली बार रुकना नहीं है आपको, अपनी गलतियों को सुधार करना है और आगे बढ़ना है। आप लोगों से मुलाकात कर ले, कौन कौन बच्चे आए हैं? ब्रजेश यादव, नमस्कार, नमस्ते जी, एस स्नेहा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, अंचला कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, के भारती, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, मोहित सिंह राजपूत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नेहा यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पूजा कुमारी, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, लाजवाब, सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग क्या करें, सेशन को शेयर कर दें, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमें करता है मोटिवेट, फिर हमें आता है पढ़ाने में मजा एक नए एनर्जी के साथ। तो सारे बच्चे वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें, जहां तक हो सके वहां तक फैला दीजिए, ये आपका काम है। मोहम्मद आफ्ताफ आलम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, नीरज कुमार, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे आए हैं, सभी से अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है और आदेश भी है कि आप, क्लास स्टार्ट हुआ और आप आ गए, लास्ट तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सेशन को कंप्लीट करना है फिर जाना है, नहीं तो फिर आप बीमार ही रहेंगे। अगर आप बीमार हैं, ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो जो भी दवाई आपको एडवाइस किया गया है तो आपको पूरी खुराक लेनी है, तभी जाके आप ठीक हो सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में भी यही मामला है। आप अगर आए हैं, 25 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, हर एक क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो बिल्कुल भागने का नहीं है। सोनम सिंह, गुड इवनिंग, अंकित, गुड इवनिंग सर, एस स्नेहा, गुड इवनिंग, सोनू कुमार, गुड इवनिंग, सूरज कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई भी बीच में गायब नहीं होगा, और जो भी गायब होगा मुक्का मार के नाक तोड़ देंगे। आज का सुविचार, आज का थॉट क्या दिया हुआ है? इफ यू होल्ड बैक इन हर्डल्स, यू आर गोइंग टू फॉल ओवर। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इत्मीनान से देखिए और ईमानदारी से आप देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, इफ यू होल्ड बैक, अगर आप पीछे हटते हैं किस चीज से? हर्डल यानी कि समस्या। हर्डल का मीनिंग होता है अवरोधक। आपकी जिंदगी में समस्या आएंगी, समस्या को देख के भागना नहीं है, डटे रहना है, सामना करना है उसका। अगर आप समस्या को देख के पीछे हट जाते हैं यानी भाग जाते हैं, यू आर गोइंग टू फॉल ओवर। फॉल ओवर का मीनिंग क्या होता है जी? गिर जाना। भाई समस्या को देख के भागना नहीं है, डटे रहना है, लड़ना है, समस्या को समाप्त करना है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तो जिंदगी में समस्या आएंगी, सबके लाइफ में आती है, आप यूनिक नहीं है कि समस्या सिर्फ आप ही के लाइफ में है, हर एक के लाइफ में समस्या है, और समस्या को समाधान में बदलना ये आपका एटीट्यूड होगा। तो समस्या को देख के भागना नहीं, घबराना नहीं, डटे रहना, लड़ते रहना, और जीत हासिल करनी है आपको, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। रोशन रॉय, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठोक के दबा के, और सीधे आता हूं सवाल और जवाब पे। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। पढ़िए, समझिए और ईमानदारी से आपको आंसर करना है। निहारिका, नमस्कार, नमस्ते, कोमल साहू जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हर एक बच्चे को आंसर करना है, हर एक बच्चे को। कोमल साहू जी, पूजा कुमारी जी, बहुत सुंदर, के भारती सी, बहुत बढ़िया जी, सभी लोग आंसर करें हर एक सवाल का, और फटाफट। सोनू कुमार कह रहे हैं इन टू होगा। सोनम सिंह जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब आइए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर स्कूल हैज बीन इशूड इंस्ट्रक्शंस टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू 2 आवर्स
टुवर्ड्स द प्राइमरी क्लासेस, और आपका जो स्कूल है उसको इश्यू किया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास को थोड़ा रोकें टुवर्ड्स के लिए, टू द प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी यानी प्राथमिक क्लास जो है उसके लिए। यहां पर प्रेपोजिशन टुवर्ड्स का इस्तेमाल है। देखिए प्रेपोजिशन ये आपका जो टुवर्ड्स है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टुवर्ड्स वर्ड का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन को शो करने के लिए। अगर आप ऐसा बोल रहे ही इज गोइंग टुवर्ड्स गांधी मैदान, इसका मतलब है वो गांधी मैदान की ओर जा रहा था, जिस भी डायरेक्शन में गांधी मैदान है उधर जा रहा था। तो टुवर्ड्स का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन को बताने के लिए। यहां पर डायरेक्शन का मामला तो है नहीं, तो सबसे पहले टुवर्ड्स वर्ड जो है वो आपका होना नहीं है। और आपका ये अंडरलाइंड पार्ट अगर गलत हो जाएगा तो ऑप्शन डी जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये आपका आंसर होगा नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पे पर्पस को बताया जा रहा है कि प्राइमरी क्लासेस के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये पर्पस है। और यहां पर देखिए फ्रॉम का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब कोई किसी चीज की ओरिजिन को बतलाना हो या जब आप सेपरेशन का भाव जनरेट करते हैं तो आप फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ना सेपरेशन है ना ओरिजिन की बात है, तो आपका फ्रॉम आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर मैं फोर वर्ड का इस्तेमाल करूं तो फोर का इस्तेमाल पर्पस के लिए होता है, उद्देश्य के लिए होगा, और यहां पर पर्पस का सेंस जनरेट कर रहा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, फोर द प्राइमरी क्लासेस। राइट ऑप्शन आपका यहां पर होना चाहिए फोर, और आप लोगों ने सी आंसर कर रखा है। हैं सी कैसे कर रखा है जी? टू आवर्स इंटू द प्राइमरी क्लासेस, फोर होना चाहिए। इंटू का कोई सेंस यहां पर नहीं बनता, और इनटू का इस्तेमाल आप जब भी करेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखनी चाहिए? वेलोसिटी। जब कोई भी बाहर से अंदर की ओर आए उसमें वेग हो, इनटू तो होगा नहीं भैया। और डी आपका आंसर नहीं, आप लोगों ने सी कैसे किया आंसर? मैं सवाल इस पे तो सवाल करूंगा क्योंकि हर एक बच्चे ने सी कर रखा है। सी कैसे होगा, क्या सोच के आप लोग सी के जवाब दीजिए हमें, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे। राहुल कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बोलो सी कैसे कर दिया आपने, क्या सोच के किया सी? सोनम सिंह मुझे लगा फोर होगा। अच्छा भाई बताओ, ऐसे ही आंसर दे देते हैं, समझ बूझ के देते हैं? सोच समझ के आंसर देना है। राकेश विश्वकर्मा बी कह रहे, बिल्कुल बी आंसर होगा। निहारिका हंस रही है, भाई क्या हो गया आपको? पूजा कुमारी सॉरी सर फोर होगा। अंचला सी, अंचला फिर से सी कह रही है, फोर होगा बाबू, फोर, सी नहीं होगा, फोर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर टू, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, पढ़िए समझिए और आंसर कीजिए ईमानदारी से फटाफट। अंकित सिंह क्या हो गया भैया, फटाफट आंसर करना है। और बच्चे जितने हैं उतना लाइक नहीं है, हर एक बच्चा लाइक करेगा वीडियो को यहां पे। पूजा कुमारी डी, एस स्नेहा डी, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। कोमल साहू डी, बहुत अच्छे। अंकित सिंह डी कह रहे, के भारती का कहना है डी होगा, अंचला कुमारी डी। आइए जी देखते हैं क्वेश्चन है, मदर ट्राइड टू डैश द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर अ टॉय। अब माता जी प्रयास की किस चीज का, तो व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर अ टॉय, और यही किसके लिए है? चाइल्ड के लिए है। जब वो खिलौने के लिए रो रहा था तो मम्मी क्या प्रयास की होगी? डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब तो खुद होंगी, तो डिस्टर्ब का कोई सेंस नहीं। मदर ट्राइड टू डिस्टर्ब द चाइल्ड, बच्चे को डिस्टर्ब करना नहीं है, बच्चा खुद डिस्टर्ब हो चुका है खिलौने को देख के, तो मां जो है वो डिस्टर्ब करने को ट्राई नहीं कर रही। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में अट्रैक्ट है, मदर ट्राइड टू अट्रैक्ट द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर अ टॉय। भाई बच्चा जो है खिलौने से अट्रैक्ट हो ही चुका है, मां तो चाहती है वो डिस्ट्रैक्ट हो, वो खिलौने को ना देखे, खरीदने की जिद ना करे, तो अट्रैक्ट वर्ड ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जॉन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप कहीं पे अपना ध्यान दे देते हैं किसी भी चीज को, आप क्या करते हैं? इसके लिए एक वर्ड आता है SOA के शॉक या SUC के शक, है ना जी, या इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल हो सकता है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ। जब किसी के ध्यान को आप क्या करते हैं, खींच लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्ब। भाई यहां पर माता जी के ध्यान को खींचा नहीं गया, बच्चा का ध्यान खिलौने पर है, तो एब्जॉर्ब वर्ड भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डिस्ट्रैक्ट। ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग बता चुका हूं, होता है पुल करना, खींचना। और डिश वर्ड जहां पर भी आए इसका मीनिंग होगा नॉट, यानी माता जी का प्रयास है बच्चों का जो ध्यान है वो खिलौने से हट जाए।
तो कुल मिलाकर मदर ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर अ टॉय। राइट ऑप्शन आपका D D4 डेली होगा और सभी ने आंसर किया है डी। अब आइए हर एक वर्ड का एक एक मीनिंग बता देता हूं। डिस्टर्ब वर्ड का एक सिनोनिमस वर्ड होता है परटर्ब्ड, PERTURB, मतलब परेशान होना। अट्रैक्ट वर्ड कल भी आया था और इसका मीनिंग क्या होता है हमने बताया था कल, एल्यूरिंग इंटाइसिंग। आज एक अलग वर्ड बताता हूं, इस वर्ड का मीनिंग होता है कैप्टिवेट। क्या होता है? जब आप किसी के नजर में दिल और दिमाग में बैठ जाए या आपके दिल और दिमाग में कोई बैठ जाए, कैप्टिवेट कहलाता है। एब्जॉर्ब वर्ड हमने लिख ही दिया। और डिस्ट्रैक्ट में ट्रैक्ट का मीनिंग होता है पुल करना, डिस का मीनिंग होता है नॉट, यानी जब आप किसी से दूर होते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका D D4 डेली होगा। और हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो यहां पे वर्ब है, 2+V1 यहां पे इन्फिनिटिव का काम किया है। बहुत अच्छे, डिस्ट्रैक्ट टू टेक अवे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान खींच लेना उससे दूर दूरी के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्या है सवाल, तो ये सवाल देखिए क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। पढ़िए समझिए ईमानदारी से आंसर कीजिए। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल डाइवर्ट होना, डेविएट होना, हर एक चीज होता है। हर्षराज गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, एकदम समय पे आइए हर्ष बाबू, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बने रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, सफल बनने का प्रयास कीजिए। हर एक बच्चे से अनुरोध है हमारा। पूजा कुमारी सी, कोमल साहू ए, फटाफट आंसर कीजिए। के भारती का कहना है सी होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पूजा कुमारी यूज्ड टू ईटिंग, हर्षराज सीपी, सीपी को क्या समझूं मैं, कैरियर पॉइंट, कैरियर प्लानर, क्या समझें। अंचला कुमारी ए, आइए देख लेते हैं जी क्या होगा। सवाल है आई एम नॉट यूज्ड टू ईट स्पाइसी एंड ऑयली फूड। कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका यूज्ड टू का। अब ये यूज्ड टू हमारा जो है ये हमारे सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, ये हमारे सेंटेंस में मोडाल भी हो सकता है। अगर ये हमारे सेंटेंस में मोडाल का काम करेगा तो किसी भी मोडाल के साथ आने वाला एक्शन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है तो यूज्ड टू के बाद भी वन हो जाएगा, ये आपका मोडाल है। बट कई बार ये हमारा जो यूज्ड टू है, ये इज यूज टू, ये हमारे सेंटेंस में किसका काम करता है, एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। और जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। अब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो इसके साथ यहां पर आपको नाउन मिलेगा, लेकिन ये जो नाउन होगा ये नेमिंग वर्ड भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, या नहीं तो वर्बल नाउन। वर्बल नाउन कहने का मतलब होता है V1 प्लस ING, और V1 प्लस ING के तौर पे अगर काम करेगा तो इसे आप जिरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिरंड बोलने का काम करेंगे। तो यूज्ड टू के साथ नाउन आएगा, नाउन नेमिंग वर्ड भी होता है और वर्बल नाउन जिसे आप जिरंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये जो स्मोकिंग वर्ड है जिसके बाद इज आया है, इज आपका वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, स्मोकिंग वहां पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन होगा तो नाउन होगा और वो नाउन वर्ब से बना है स्मोक प्लस ING और वर्ब से बनने वाला नाउन होता है वर्बल नाउन। तो कई बार यूज टू हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ये नाउन नेमिंग वर्ड भी हो सकता है या जिरंड भी हो सकता है जिसे आप वर्बल नाउन बोलेंगे। और यूज टू हमारा एडजेक्टिव कब होगा, जब यूज टू के पहले हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए, इज एम आर वॉज या वर अगर हो जाए। इज एम वॉज वर, अगर ये वर्ब यूज टू के पहले आ जाएंगे उसके बाद यूज टू होगा तो ये आपका एडजेक्टिव होगा और आफ्टर एडजेक्टिव आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। बच्चा रट्टा मार लेता है कि यूज टू के बाद V4, वो V4 नहीं है, वो जिरंड है, V1 प्लस ING है, नाउन के तौर पे काम करता है। अब आइए यहां पर IM लगा हुआ है तो सबसे पहले तो यूज होगा नहीं, यूज्ड होना चाहिए थर्ड फॉर्म। यहां पर देखिए यूज टू लगा हुआ है, नहीं होगा। कल भी बताया था कि इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आपको एक्शन वर्ब चाहिए या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं होगा। दूसरी बात, आपने यूज्ड टू डाला लेकिन इसके साथ V1 लगा दिए, ये V1 नहीं चलेगा, आपको चाहिए वर्बल नाउन और वो होगा आपका जिरंड, तो ये भी नहीं होगा। ची में यूज्ड टू ईटिंग, बिल्कुल ये यूज्ड टू जो है आपका ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बाद ईटिंग जो है ये आपका वर्ब नहीं जिरंड है। राइट ऑप्शन CC फॉर कैनेडा, डी आपका आंसर होगा नहीं, CC फॉर कैनेडा आपका राइट आंसर है। कमेंट दिखाइए।
और उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ी होगी, जिन भी बच्चों को डाउट आ जाए तुरंत सवाल करोगे और सभी ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। डेविल के गेमिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। पूजा कुमारी इज एम आर यूज टू जिरंड, बिल्कुल बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। डाउट होगा सवाल कीजिएगा, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पर्यायवाची यानी कि सिनोनिमस सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड फाइंड करने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। एवरीडे मंडे टू सैटरडे आया कीजिए, एंजॉय कीजिए सेशन को, सीखने का प्रयास कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी शी उमंगराज, उमंगराज यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। स्नेहा अंकित पूजा अंचला के भारती कोमल साहू, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। सोनम सिंह आइए देखते हैं, पहला वर्ड आया है वैकेंट। वैकेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खाली, एम्प्टी, ई एम पी टी वाई, जिसे आप खाली बोलते हैं। ऑप्शन में वर्ड आया है फुल, फुल का मीनिंग क्या होगा? जो बिल्कुल फिल्ड है, जो बिल्कुल भरा हुआ है आपका। ऑप्शन बी में यूज्ड है, यानी जिसका इस्तेमाल कर लिया गया, इसे आप बोल सकते हैं सेकेंड हैंड। क्या बोल सकते हैं? सेकेंड हैंड, जो यूज किया हुआ है, फर्स्ट हैंड जो नहीं है आपका। उसके बाद आपका है बेयर। बेयर का मीनिंग क्या होता है जी? जो बिल्कुल ओपन है। क्या है? ओपन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कवर्ड नहीं है, नेक्ड है। नेक्ड वायर बोला जाता है, नंगा तार बोला जाता है, जो अनकवर्ड है। क्या है? अनकवर्ड है, उसे आप क्या बोलते हैं? बेयर बोलने का काम करेंगे। और ऑप्शन डी में आपका है बीजी, और बीजी का मतलब होता है व्यस्त रहना। इसके लिए एक वर्ड आता है पी ओ आर ई, पोर, और पोर का मीनिंग क्या होता है? व्यस्त होना, है ना जी? पूरे व्यस्त है आप, यानी ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं, ओ डबल सी यू पी आई ई डी। अब आइए, हर एक वर्ड का मीनिंग आप समझ गए, सिनोनिमस वर्ड फाइंड करना है। वैकेंट बोल रहा है मतलब जो खाली है, फुल तो भरा हुआ होगा, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। यूज्ड इसका कोई सेंस नहीं है, और बीजी मतलब आप पूरे भरे पड़े हैं काम से, यानी आप बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो ये तो एंटोनिमस हो जाएगा बीजी, ये भी नहीं होना चाहिए। और बेयर का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ओपन खाली है, और ओपन किसको बोलते हैं? खाली किसको बोलते हैं? जहां पे कुछ भी नहीं होता। तो वैकेंट का सिनोनिमस वर्ड राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा, बेयर होना चाहिए। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, हर एक वर्ड आपका यहां पर एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। जब भी किसी वर्ड को आप पढ़े, शब्द को पहचाना करें, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश करें, तो जो भी वर्ड यहां पर दिख रहा है आपको, हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, सभी ने आंसर दिया। और राहुल ने एक वर्ड लिखा वैक्यूस, वेरी सुंदर बहुत बढ़िया, अच्छे जी राहुल कुमार, बहुत अच्छा वर्ड आप लिखे हैं। ऐसे ही वर्ड लिखा करो, कमेंट सेक्शन में वैल्यू ऐड किया करें आप लोग। नंबर फाइव, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली है ये बताना है आपको। चलिए बहुत अच्छे राकेश विश्वकर्मा, राहुल ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक होता है भैया। पूजा कुमारी डी, बहुत अच्छे, फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। स्नेहा अंकित अंचला, बहुत बढ़िया। कोमल साहू पूजा कुमारी डेफिनेशन, सोनम सिंह अंकित, क्या हुआ अंकित आप हंस रहे हैं, के भारती डी, किशु जायसवाल दिल्ली, वेरी गुड, डी आंसर कर रहे हैं। आइए इनकरेक्टली स्पेल्ड, पहला वर्ड है रिकॉग्निशन। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता? तो इस वर्ड का मीनिंग होता है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लियर। अब देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज जमा हो जाए, खास करके आप देखते हैं ना, नाला सब में पानी जम जाता है, स्टैग्नेंट वाटर, ये स्टैग्नेशन है। इसे हम बोल सकते हैं एन एक्ट ऑफ नॉट फ्लोइंग, नॉट फ्लोइंग, जो चीज बह नहीं रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, जमा है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। ये भी स्पेलिंग आपका सही है। एम्यूनिशन, अब एम्यूनिशन वर्ड का लेना देना किससे है? वेपन से है, हथियार से है, ये आपको हथियार से है। यहीं पे आप मिसाइल्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रोजेक्टाइल वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुल मिला के हथियार से इसका लेना देना है, यह भी स्पेलिंग आपका सही है। और ऑप्शन डी की बात करें तो डी में डेफिनेशन है। आप कई बार शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं, आप बोल देते हैं डेफिनेशन, भाई नेशन नहीं होता, नीशन होता है, डेफिनेशन बोला कीजिए हमारे साथ, क्या होता है डेफिनेशन। और जब आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, लेकिन बोलते गलत है। और आप देखते हैं यहां पे एन ए लगा हुआ, आपको लगेगा डेफिनेशन, तो हम बोलते हैं ये सही होना चाहिए, बट यही आपका गलत है। सही क्या होता है तो डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, इसे बोलते हैं डेफिनेशन। तो ये आपका वर्ड है डेफिनेशन। राइट ऑप्शन आपका डी होगा क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया डेफिनेशन। और डेफिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए, परिभाषा जो कंप्लीट सेंस जनरेट करे, यानी जो जिसका सेंस कैसा हो, मीनिंगफुल हो, कैसा हो, मीनिंगफुल सेंस जो जनरेट करेगा उसी को आप क्या बोलेंगे, डेफिनेशन बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका डी, डी फॉर डेली। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, हर एक वर्ड आपका यहां पर क्या है, नाउन के तौर पे काम कर रहा है। जो भी शब्द आप पढ़ते हैं शब्दों को पहचाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जानने की कोशिश करें तो आपका वर्ड नाउन कहलाएगा। और जिसे भी डाउट हो आप सीधे सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पढ़िए समझिए आंसर कीजिए। ये नाउन है ना सर, बिल्कुल नाउन है बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सेशन को शेयर करें, लाइक करें, ठोक के दबा के। पंकज जी थोड़ा साइड हो जाइए, हमें दिखने का, और पीछे होइए आप। फटाफट आंसर करो बाबू, फटाफट स्पीड में। पूजा कुमारी शी, आंसर क्विक, एकदम फटाफट करना, एकदम तहलका मचा दीजिए आंसर कर। कमेंट सेक्शन में आंसर से आग लगा दीजिए, एकदम ज्वालामुखी, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है जी। पूजा कुमारी, स्नेहा, राकेश विश्वकर्मा, सोनम सिंह, के भारती, कोमल साहु, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे जी क्या बोला जा रहा, पढ़ता हूं, बोला अ प्लान ऑफ व्हाट, किसी भी चीज का प्लान, इज टू बी डन, करने का प्लान है, एंड व्हेन, यानी आप कोई भी प्लान बनाते हैं कब करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों को आप क्या बोलिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मीटिंग, भाई मीटिंग वर्ड का मीनिंग होता है गैदरिंग, जब आप इकट्ठे होते हैं बात करते हैं उसे आप मीटिंग बोलेंगे, इसे आप गैदरिंग बोलिए, या इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है कॉन्वोकेशन, सभा जिसे आप बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सभा या मीटिंग की बात नहीं हो रही, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में स्कीम बोला जा रहा है, स्कीम कोई प्लान हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, और इसी के लिए बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है, लिख देता हूं स्ट्रैटेजम, एस टी आर ए टी ए जी एम, स्ट्रैटेजम, ये वर्ड आपका आता है योजना के लिए, प्लान के लिए, स्कीम के लिए। सी में आया है शेड्यूल, भाई शेड्यूल वर्ड का मीनिंग होता है टाइम टेबल, क्या होता है आपका शेड्यूल क्या है पूरे दिन का, तो टाइम टेबल होता। और ऑक्यूपेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ऑक्यूपेशन वर्ड का मीनिंग होता है प्रोफेशन, यानी आपका जो है व्यवसाय क्या है। अब आइए सवाल पे बोला क्या गया, अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, यानी काम कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए इस्तेमाल क्या होगा। और व्हेन जैसे ही बोला तो व्हेन से आपको क्या दिखता है, टाइम दिखता, और टाइम टेबल की बात शेड्यूल करता है, तो राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा होना चाहिए, ना बी होगा और ना ही डी होगा, राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, हर एक वर्ड भैया आपका यहां पर फिर से क्या हो गया, तो नाउन हो गया, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे राहुल कुमार, शेड्यूल का हिंदी मीनिंग अनुसूची, चलिए बहुत बढ़िया राहुल कुमार। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह बाद में कर लेंगे, 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी सवाल है हमसे पूछ लेना आप, है ना। लेकिन बीच में आप पूछेंगे तो हम भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, बाद बाकी और भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो पहले सेशन को कंप्लीट होने दीजिए और उसके बाद सीधे सवाल कर लीजिए, नहीं तो नीचे नंबर हमारा चल रहा होगा, वो हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिए, लेकिन बीच में पूछिएगा तो पूरा क्लास जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, इस चीज का आप ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स का मामला है, बिल्कुल शेड्यूल का प्लान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन हर एक वर्ड के बीच में डिफरेंस होता है, उसे हम कंफ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड का भी सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी यूट्यूब पे लाऊंगा, टेंशन ना लीजिए।
सॉरी सर, नहीं नहीं माफी नहीं मांगना, बस समझा दिया मैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आपकी सुन सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं। स्नेहावी निहारिका, पूजा कोमल, अंचला, राहुल, राकेश के भारती, कोमल साहू, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए सवाल पे, क्या बोला जा रहा है? पेट्स आर गॉट डैश फॉर लोनली पीपल। अब ये लोनली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो बिल्कुल अकेले है। लोनली वर्ड का सिनोनिमस वर्ड क्या हो सकता है? आइसोलेटेड। और ये आइसोलेटेड वर्ड हो गया, आइसोलेशन हो गया, क्वारंटाइन वर्ड हुआ, ये 2020 में काफी पॉपुलर हुआ जब कोविड आया। तो आइसोलेटेड मीन्स क्या? जिस जो अलग थलग पड़ा हुआ है ना जी, वो आइसोलेटेड है, लोनली है। और जो इंसान बिल्कुल अकेला है अपनी जिंदगी में, उसके लिए पेट्स यानी कि पालतू जानवर की बात कर रहे, उसके लिए वो क्या हो सकता है? आइए समझते हैं। कंपेनियंस, गाइड्स, सब्स्टिट्यूट और नर्सेस। ध्यान से सुनिए, कंपेनियंस वर्ड का मीनिंग होता है कलिग। क्या होता है? कलिग। या इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? तो इसी को हम बोलते हैं पार्टनर। पहले वर्ड का मीनिंग जानिए, उसके बाद ऑप्शन बी में आएंगे, गाइड। भाई गाइड करने का मतलब क्या होता है? कोई आपको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। गाइड करने का मतलब कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। गाइड का मतलब यही होता है, नियंत्रण रखना, नियंत्रित करना। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जब किसी एक चीज के बदले में दूसरा चीज आप डाल दे, रिप्लेसमेंट जिसे आप बोलेंगे। सब्स्टिट्यूट, क्या बोलिएगा? रिप्लेसमेंट। अगर ये नहीं है तो इसके बदले में ये है। और उसके बाद नर्स। नर्स का क्या काम होता है? सर्व करना, सेवा करना, केयर करना, यानी केयर टेकर बोल सकते हैं। या इसी नर्स को आप क्या बोल सकते हैं? केयर गिवर बोलने का काम करेंगे, जो ध्यान रखने का काम करे वो नर्स है। अब आइए, पेट्स आर गुड एज फॉर ओनली पीपल। कंपेनियन, ये पालतू जानवर आपके सच्चे साथी हो सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, पालतू जानवर हैं, तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो पेट्स का इस्तेमाल यहां पे पार्टनर के सेंस में है, तो राइट ऑप्शन आपका कंपेनियंस होना चाहिए। गाइड का मतलब होता है रेगुलेट करना, और रेगुलेट और कंट्रोल का यहां पर कोई सेंस नहीं है। और उसके बाद गुड गाइड, और यहां पर गाइड का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ऑप्शन भी नहीं। सब्स्टिट्यूट, भाई यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया कि पेट्स के अलावा भी और कोई है। सब्स्टिट्यूट वहां पर आता है जहां पे बात ऑप्शंस की होती है, विकल्प की होगी, यहां पर नहीं आएगा। और डी में नर्स। नर्स आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पेट्स कभी भी नर्स नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ए फॉर आगरा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, ये देखिए यहां पे आपका ये गुड है, गुड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा भैया? नाउन को। तो हर एक वर्ड जो यहां पर आया हुआ है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बाबू क्या है? तो ये नाउन है। क्या है? नाउन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अंकित सिंह, किशु जायसवाल, वेयर आर यू आस्किंग ब्रो? भाई साहब सवाल बिल्कुल करें, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, लेकिन गप ना करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर एट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स विच कंटेन्स अ सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर फाइंड करना है। सभी से रिक्वेस्ट है, एकदम अटेंटिव होकर पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक घंटा आपसे मांगा है हमने, ईमानदारी से दीजिए, लेकिन गप ना कीजिए। चलिए, निहारिका ए, स्नेहा ए, कोमल ए, निहारिका सुपीरियर टू मी, पूजा कुमारी ए, किशु जायसवाल आगरा। भाई तुम भी आगरा को बहुत पसंद करते हो क्या? हम तो करते ही करते हैं, ए फॉर आगरा बोलते हैं। अंचला कुमारी ए, राकेश विश्वकर्मा, के भारती, अंकित सिंह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। अब देखिए, ये सुपीरियर वर्ड जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मैं सीडी लिखता हूं, कंपैरेटिव डिग्री। इन जनरल कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन के तौर पे आप देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री हैं जो ओ आर सेंड होंगे। जैसे इसी में वर्ड आता है आपका सुपीरियर, यही वर्ड आ जाता है आपका इनफीरियर, यहीं पर वर्ड आता है आपका जूनियर, और यहीं पे वर्ड आएगा आपका सीनियर। ये सारे वर्ड कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन इनके साथ कंजंक्शन नहीं, देन नहीं, जबकि प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। तो सुपीरियर फ्रॉम तो होना नहीं चाहिए, पहली बात ये। ऑप्शन ए सुपीरियर फ्रॉम, ये कभी होगा नहीं। बी में इन इंटेलिजेंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं।
सी में सीज मच, नो प्रॉब्लम, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आई नो है, भैया कौन एरर बोला गया, तो एरर आपका है और कहां पे है, ये सुपीरियर फ्रॉम नहीं होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन ए ही होगा, ए ए फोर आगरा। और सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, क्या फाइंड करना है बाबू, तो इडियम लूजन द अर्थ स्ट्रिंग्स। सुपीरियर फ्रॉम मी होगा सर, बिल्कुल नहीं, सुपीरियर टू होगा बाबू, एमटीएस में आया था मेरा, हर एक जगह पे आएगा, बस आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हर एक जगह आप विजेता होंगे। कोमल साहू ए, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट स्पीड में। पूजा कुमारी डी, किशु जायसवाल अगेन आगरा, राकेश विश्वकर्मा डी, स्नेहा डी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला जा रहा है, लूजे द पर्स स्ट्रिंग्स, भाई स्ट्रिंग वर्ड का मीनिंग तो धागा होता है, इसके लिए वाई ए आर एंड यार्न वर्ड ही आता है। और आप ये लूजन वर्ड कहां से आया, लूज से आया, यानी ढीला कर देना। आप क्या कर दिया है, पर्स को टाइट नहीं किए, उसको ढीला कर दिया है। और ढीला कब कीजिएगा पर्स को, यानी अपना पर्स निकाल के कभी भी दोस्त को कब दीजिएगा, जा जितना खर्च करना है कर ले, कब, जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, यानी अब आपकी मुट्ठी बंदी भी नहीं है, बहुत ढीली है, जा जा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लुट रहे हैं। तो लूजन द पर्स स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या, टू लूज अ पर्स, भाई पर्स को लूज करने की बात नहीं कर रहा। बी में टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, रिड्यूस का मीनिंग होता है डिक्रीज करना, आपने अपने खर्च को डिक्रीज नहीं किया बल्कि इंक्रीज कर दिया है, तो बी भी नहीं। और सी में टू बी माइजरली, भाई माइजरली का मतलब होता है, माइजरली वर्ड आया कहां से, तो माइजर से, कंजूसी की बात भी नहीं है। डी में टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वर्ड का मीनिंग खर्च करना, यानी आपने अपने खर्च को बढ़ा दिया है, राइट ऑप्शन डी, डी फोर दिल्ली होगा। भाई जिसने डी आंसर दिया है ना, उसी का आंसर सही मानूंगा, डी फोर दुबई, बहुत बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा अंकित, राहुल फ्रेज ऑफ फोर पर्स, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है बउआ, बताइए क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार बतला चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट स्पीड में। पूजा कुमारी डी, किशु जायसवाल बी, राकेश विश्वकर्मा, स्नेहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, कोमल साहू डी। आइए जी, क्या बोला गया क्वेश्चन को समझिए, इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम, अच्छी बात है कि भारत में परिवार को सर्वोपरि रखा जाता है। इंडिया हैज ऑलवेज, ये ऑलवेज वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बिलीव जो है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, क्या समझा चुका हूं, हैड, अगर इनके साथ आपको एक्शन वर्ब चाहिए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हैज के साथ आपने बिलीव वर्ड का इस्तेमाल किया, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए था आपको बिलीव्ड। तो भैया ये बिलीव जो है यही आपका एरर है, ऑप्शन ए द वैल्यू ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। बी में इंडिया हैज नो प्रॉब्लम, सी में द फैमिली सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। डी में ऑलवेज बिलीव, इस बिलीव के जगह पे होना क्या चाहिए, बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी राइट ऑप्शन आपका डी, डी फोर दिल्ली। और सभी ने आंसर क्या किया है भैया, दिखाइए कमेंट, सभी ने आंसर किया है डी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, अच्छा गोस्ट टू, अच्छा ये आपका अंडरलाइन पार्ट है बाबू, ध्यान से देख लीजिए, ये गोस्ट टू जो लिखा है ना, गोस्ट टू सिंगापुर, ये अंडरलाइन पार्ट है, हमेशा गलत हो जाता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बने रहे, आज गलती कर रहे हैं कल सही भी होगा, उम्मीद कभी भी खोना नहीं है। पूजा कुमारी ए, कोमल ए, स्नेहा ए, किशु जायसवाल, आगरा, अंचला ए, राकेश विश्वकर्मा अभी कह रहे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए जो भी नए बच्चे हैं यहां पर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, यह आपका प्राथमिक कर्तव्य है, ये होना चाहिए आपसे। चलिए बहुत बढ़िया, रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट डिसंबर, ये जो लास्ट डिसंबर बोला गया है
ये पास्ट के टाइम को इंडिकेट कर रहा, पहली बात तो ये, और पास्ट के टाइम को इंडिकेट कर रहा, और यहां पर गोज वर्ड का इस्तेमाल है, गोज यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म जो है ये कहां पर इस्तेमाल होता है भैया, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और आप ही बताइए, टाइम पास्ट का और टेंस प्रेजेंट का कभी भी होगा? कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने पास्ट का टाइम दे रखा है तो आपका टेंस भी पास्ट का होना चाहिए। तो ये जो गोज वाला मामला है ये बहुत बड़ा पाप है आपका, यहां पर नहीं चलेगा। ऑप्शन ए में क्या बोला गया? वेंट टू सिंगापुर। अब देखिए, गो वर्ड आपका फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, यानी ये वेंट आपका वी टू है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो भैया वेंट टू यहां पर मेरे को सही लग रहा। बी में बोल रहा है वॉज गोइंग टू सिंगापुर, यानी पास्ट के किसी टाइम में वो एक्शन कॉन्टिन्यूड था, बोल रहा है लास्ट दिसंबर। अब ऐसा नहीं कि पूरे दिसंबर में यात्रा कर रहा था, ऑप्शन भी नहीं। सी में हैड गॉन टू सिंगापुर, हैड जो है पास्ट का परफेक्ट है, और पास्ट के परफेक्ट के साथ ये लास्ट पास्ट एगो बिफोर वर्ड नहीं आता, तो सी भी नहीं होगा। और डी में हैज गॉन, ये हैज गॉन प्रेजेंट का परफेक्ट है, टाइम आपका पास, प्रेजेंट का टेंस नहीं आएगा। डी को भी एलिमिनेट करो, राइट ऑप्शन ए ए फोर आगरा होना चाहिए। और सभी ने आंसर किया है ए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या भैया? एंटोनिम, बताइए क्या होगा आंसर फटाफट, तब तक हम थोड़ा सा पानी गटक लें। स्पीड में आंसर कीजिए आप लोग। कोमल साहू भी, पूजा कुमारी भी, राहुल कुमार भी, के भारती, स्नेहा, अंचला, बहुत सुंदर। किशु जायसवाल बिहार कह रहे। आइए भैया देख लेते हैं क्या होगा। वर्ड आया है आपका कौन सा? टाडी। इस टाडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है भैया? तो इस वर्ड का मीनिंग होता है स्लो। क्या होता है? स्लो होना, है ना जी, जी आर ए डी यू ए एल, गैजुअल। अब आइए लेट वर्ड बोल रहे हैं, लेट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? लेट के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है डिले कर देना, और एक बहुत अच्छा वर्ड आता है प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट मतलब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और अर्ली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो पहले हो चुका है, यानी फॉर्मर। अर्ली का मीनिंग एडवांस, जिसमें आप लेट नहीं होते बल्कि समय से पहले आप काम कर लेते हैं। ऑप्शन सी में लेजी, लेजी के लिए कौन सा वर्ड आएगा? डल। या इसी के लिए एक वर्ड आता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इनएक्टिव। जो लेजी होगा वो इनएक्टिव होगा। और ऑप्शन डी में स्लो वर्ड आया है। स्लो का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड आता है लेथार्जी, एल ई टी एच ए आर जी वाई, जो बिल्कुल आलसी टाइप का होगा। अब टाडी का एंटोनिमस वर्ड फाइंड करना है। लेट भाई, जब स्लो होंगे तो लेट होंगे, ये तो सिनोनिमस हो जाएगा, एंटोनिमस ए नहीं होगा। बी में बोल रहा है अर्ली, अर्ली मतलब सवेरे, यानी कि एडवांस मतलब देरी, और पहले, एडवांस फॉर्म में, यानी राइट ऑप्शन आपका बी बिफोर बॉम्बे होना चाहिए। अगर आप लेजी हैं तो आप स्लो ही होंगे, ये सिनोनिमस हो सकता है, एंटोनिमस नहीं होगा। और स्लो तो इसका डायरेक्ट सिनोनिमस हो रहा, पूछा गया एंटोनिमस, ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन बी बिफोर बॉम्बे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, वर्ड आपका क्या होगा भैया? तो वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपका एडजेक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? एडजेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या फाइंड करना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज अपीच, कई बार पढ़ा चुका हूं। पूजा, टाडी भी हो सकता है शब्द, हैं? टाडी तो था ही वो। स्पीड में आंसर कीजिए फटाफट। पूजा कुमारी बी, स्नेहा सी, अंचला बी, के भारती बी, बहुत बढ़िया। देखिए वर्ड आया है अपीच। अपीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शांत करना, प्लैकेट, पी एल ए सी ए टी, शांत करना वर्ड। वर्षन वर्ड है, ये वर्षन वर्ड आया कहां से? तो वर्ष से। और वर्ष, ये वर्ड जो आपको दिख रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। किसका कंपैरेटिव है? तो बैड का। और बैड कैसा वर्ड होता है? तो नेगेटिव। तो वर्षन आपका कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव। इस वर्ड का मीनिंग होता है एग्रावेट, ए डबल जी आर ए वी ए टी। एग्रावेट वर्ड का मीनिंग होता है सिचुएशन को बहुत बुरा कर देना, बदतर कर देना। ये ऑप्शन बी में पेसिफाई वर्ड बोला गया।
पेसिफाई वर्ड का मीनिंग होता है शांत कर देना, इसके लिए एक वर्ड आता है मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई, या कॉन्सिलिएट, CONCILIATE, बिल्कुल शांत कर देना, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है। ऑप्शन सी में एक्साइट है, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है तो आप बिल्कुल शांत नहीं होते, आप बिल्कुल वहां उत्तेजित होते हैं, तो एक्साइट वर्ड के लिए एक सिनोनिमस वर्ड लिख देता हूं, TUMULTUOUS, tumultuous, है ना जी, जो बिल्कुल शांत ना रहे वो एक्साइट है। और इरिटेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो बिल्कुल परेशान है, इरिटेट के लिए वर्ड आता है वैक्स, या इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ANNY। एक वर्ड और लिख लीजिए, PIQUE। देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपका वोकैब बूस्ट हो। ये अपीच वर्ड का सिनोनिमस वर्ड, भाई वसंत सिचुएशन को बदतर कर देना, तो ये तो आपका हो नहीं सकता साइनो। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, प्लैकेट शांत, अपीच शांत, राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। एक्साइट शांत कहां से है, ये तो पूरा परेशान करके रखा है, ये भी ना होगा, और इरिटेट, जो इरिटेट होता है वो शांत नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा। अब भाई ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे, हर एक वर्ड आपका यहां पर वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया, आंसर कौन सा होगा, बी होगा, C4 चौहान सर गलत हो गया, अंकित सिंह आपका, देवेश कुमार बी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, क्या फाइंड करना है बाबा, तो idiom, और idiom में क्या चेंज फॉर द बेटर, ये एक नर्सरी का बच्चा भी सही करेगा आंसर, आप लोगों को तो करना ही चाहिए, और नहीं करेंगे सही तो हम सीधा गोली मार देंगे यहां से। क्या पंकज जी, मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। स्नेहा बी, किशु जायसवाल बी, बहुत सुंदर, राहुल कुमार बी, हाँ एकदम गोली के डर से आंसर आ रहा है, अंचला कुमारी, इसको तो सबसे पहले गोली मारेंगे, गोलू परिहार, तबीयत ठीक भला हो, हाँ बिल्कुल तबीयत ठीक भला हो, बहुत सुंदर भाई, हम लोग मिथिला से आते हैं तो थोड़ा चल जाता है हमारा। किशु जायसवाल गोलू नहीं खाएंगे सही सर। राकेश विश्वकर्मा, अंकित सिंह सर, ये क्या है जी, क्या नाम है, सकीना बी। आइए जी, चेंज फॉर द बेटर, यानी आप चेंज हो रहे हैं लेकिन किस चीज के लिए, बेटरमेंट के लिए, BETER MENT, और बेटरमेंट मतलब किसी बढ़िया चीज के लिए, यानी आप जो है इंप्रूव करने की सोच रहे हैं, इंप्रूव करना है आपको, सुधार करना है। ऑप्शन ए, एक्सचेंज एंड ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि पुराने से नए को बदल रहे। बी में एन इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, बिल्कुल चेंज फॉर द बेटरमेंट का मतलब एन इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। सी में टू कीप लूज चेंज, ना जी ना। डी में प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, बहाने मारने की बात नहीं हो रही है, राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे होगा। सभी ने आंसर किया है बी, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। राहुल कुमार, एन इंप्रूवमेंट इन सिचुएशन और स्टेट ऑफ अफेयर्स ओवर व्हाट। देवेश कुमार बी, मेरा सही है सर, बिल्कुल सही है, गोली किसी को नहीं लगेगा, सब बच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, और ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताइए, सॉरी ग्रामेटिकल एरर बताइए। निहारिका बी, इन निहारिका जी बीच में चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, बने रहिए, 25 में से 25 क्वेश्चन का आंसर देना है, भागिएगा गोली मार देंगे। कोमल साहू बी, बहुत बढ़िया। अंचला बी, पूजा कुमारी ए, ब्रेक अबे, अंकित सिंह हंस रहे हैं, भैया आंसर दो आंसर, के भारती बी। आइए देखते हैं जी, ये कौन है, किशु जायसवाल आगरा, आगरा में सेटिंग उटिंग है का जी, आगरा आगरा करते रहते हैं। आइए यहां पे, आवर वैकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेकअप। देखिए एंड कंजंक्शन है, रिलैक्स पॉजिटिव वर्ड है और ब्रेक नेगेटिव वर्ड है। ब्रेकअप वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, एंड द रिलेशन, किसी भी रिलेशन का समाप्त हो जाना। एक छुट्टी जो होता है, छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आप ब्रेकअप सब करके बैठ गए, रिलैक्स होने का काम होता है, और ब्रेकअप वर्ड नहीं आता यहां पे, इस्तेमाल करना चाहिए टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। आप जब छुट्टी लेते हैं तो आप काम से ब्रेक लेते हैं, और उसको टेक अ ब्रेक बोला जाता है, ब्रेकअप नहीं बोला जाता। पहली बात तो ये, एक बच्चे ने लिखा है ब्रेक अबे, ये नहीं होगा,
ए का ब्रेक होना चाहिए ब्रेकअप के प्लेस पे फ्रॉम द रूटीन। ऑप्शन ए ब्रेकअप नहीं होगा यहां पे, टे का ब्रेक करे राइट ऑप्शन, यही आपका यही एरर है। बी में फ्रॉम द रूटीन कोई दिक्कत नहीं, सी में ऑन वैकेशन नो प्रॉब्लम, डी में टाइम टू रिलैक्स कोई दिक्कत नहीं, राइट ऑप्शन ए ए फॉर आगरा। ब्रेकअप के प्लेस पे टू टेक अ ब्रेक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक छोटे समय के लिए छुट्टी लेते हैं रिफ्रेश होने के लिए, रिक्रिएट होने के लिए। सभी ने आंसर किया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। एस फॉर सेटिंग देवेश कुमार, मेरा सही था सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपका सही है तो अंकित थोड़ा लिमिट में है भाई, क्या हो गया लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आइए पढ़िए समझिए आंसर कीजिए, और इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। निहारिका ए फॉर आगरा है, सही से आंसर दो, ए फॉर आगरा। राहुल कुमार सर एस फॉर सेटिंग बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिंग है तो करवा देंगे, लेकिन अभी पढ़ लीजिए, जॉब हो जाएगी उसके बाद शादी ब्याह सब करवा देंगे, अरे बर्बाद तो होना ही है। पूजा कुमारी सी, देवेश कुमार ए, कोमल साहू ए, पूजा किशु अंकेश अंचला। आइए जी, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एवरीवन वाज, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था कि वन बॉडी थिंग्स एंड होने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन होता, सिंगुलर आवाज का इस्तेमाल किया, देखिए ध्यान से। एवरीवन वाज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स करेज, भाई करेज का मीनिंग क्या होता है, साहस, गट्स बोलते हैं। हर एक वर्ड का मीनिंग जानिए, और करेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। एवरीवन वाज अमेज्ड, और अमेज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ नहीं आता भैया, ऑन ना आता, इन नहीं आता है, अमेज्ड एट होता है। अब बोलेगा सर ये कहां से सीखे, तो आपका टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं यहां पे चौहान इंग्लिश कैंपस, भाई यूट्यूब इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम सब है चौहान इंग्लिश कैंपस के नाम से। तो चौहान इंग्लिश कैंपस टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का एक चार्ट मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा, वहां पे डला हुआ है किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को पढ़े तभी जॉब लगेगी बाबू। तो अमेज डैट होता राइट ऑप्शन सी, सी फोर कैनेडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताइए क्या होगा। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर था ए, अच्छा जी समझ गए देवेश, गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, गलती होता है, हमने बिंदास होके रहिए, सीधा सवाल जवाब पे आंसर देना है, जहां गलती हो रही है झुक जाइए, सीख लीजिए, बात खत्म, सीखना ना है। अमेज एट बिल्कुल, पूजा कुमारी शी, कोमल साहू शी, किशु जायसवाल कैनेडा, के भारती शी, अंचला सी। आइए यहां पे क्या बोल रहा, टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, डीके एक नेगेटिव वर्ड है, डीके वर्ड का मीनिंग होता है स्टेल, जब कोई चीज सर जाए, टूट जाए, फट जाए, बर्बाद हो जाए, और फॉल अपार्ट मतलब टूट के क्या हुआ है, बिखर गया है ना, फॉल अपार्ट अलग अलग। ऑप्शन में बोल रहे डिसलोकेट, भाई लोकेट लोकेशन को बतलाता है, और डिस का मीनिंग होता है नॉट, यानी डिसलोकेट का मतलब होता है डिसप्लेस कर देना, यानी किसी के प्लेस को आप इधर से उधर कर दिए हैं, डिसलोकेट। डिस इंटीग्रेट वर्ड आया है, डिस का मीनिंग होता है नॉट, और इंटीग्रेट वर्ड का कहीं ना कहीं मीनिंग होता है यूनिटी से लेना देना, लेकिन नॉट यूनिटी यानी अब आप में एकता नहीं रही, आप टूट के बिखर चुके हैं, ये डिसइंटीग्रेट है। ऑप्शन बी में डिसहेबल दिया हुआ, और डिसहेबल्ड वर्ड का मीनिंग होता है अनटाइडी, और अनटाइडी वर्ड का मीनिंग, अन का मीनिंग क्या होता है बउआ, नेट, और टाइडी का मीनिंग होता है क्लीन, जो चीज बिल्कुल क्लीन नहीं है उसे अनटाइडी बोलेंगे, डिसहेबल्ड बोलेंगे। तो कुल मिला के डिसहेबल्ड वर्ड का मीनिंग डट्टी हो जाएगा। और ऑप्शन डी में डिसकंटिन्यू, डिस का मीनिंग नॉट कंटिन्यू, जो लगातार नहीं है, जो बिल्कुल रुक रुक के हो रहा है, ई रेगुलर बोलेंगे उसको, जो डिसकंटिन्यू नहीं है। अब आइए समझते हैं आंसर क्या होगा, टू फॉल अपार्ट टूट के बिखर जाना, डिसलोकेट ये तो बोल रहा है कि प्लेस डायरेक्शन को चेंज करो, डिसप्लेस ये तो होगा नहीं। बी में डिसेबल्ड बोल रहा है अनटाइडी यानी नॉट क्लियर यानी डट्टी, डट्टी का कोई सेंस नहीं, और सी में डिसइंटीग्रेट, डिस का मीनिंग नॉट इंटीग्रेट यूनिटी यानी आप में यूनिटी नहीं है, आप टूट के बिखर चुके हैं, और बोल रहा है फॉल अपार्ट यानी टूट के बिखर जाना, राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। और डिसकंटिन्यू अगर आप कॉन्टिन्यूड नहीं है, आप इरेग्युलर है और नियमित है, तो राइट ऑप्शन बी भी नहीं, राइट ऑप्शन आपका सी, सी फॉर कैनेडा होगा। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल की अगर आप बात करना चाहें भैया, वर्ड आपका एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक है जी,
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, पढ़ो समझो आंसर को, बहुत आसान सा है। और राहुल कुमार क्या बात, क्या हंसी, चार्ली सी फोर चौहान सर, आज कमाल कमाल के बच्चे नहीं आ रहे हैं, चार्ली चैपलिन है, बहुत बढ़िया जी। और ये चार्ली, ये नाम किनका हमें मालूम है, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, फोन करके बताएंगे, लेकिन एन लिखा हुआ है, एन लिखिए चार्ली, मतलब हमें भक्चोनर समझ रही है, सॉरी रहा है या रही है इतना तो कंफर्म नहीं हो सकते। चलिए सकीना वॉच, अंचला किशु, राहुल, देखिए चार्ली इसको समझ में आ चुका है कि हम इन्हें पहचान लिए हैं, अब गोली मारेंगे क्लास के बाद, बहुत सुंदर। आइए इधर, क्वेश्चन क्या है आपका, कि द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ द टीम गिवन अ हार्टी वेलकम एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, पहली बात देखिए यस्टरडे बोला गया यानी पास्ट का टाइम है, यस्टरडे बोलने का मतलब ये आपके पास्ट का टाइम हो गया, और अगर पास्ट का टाइम है तो बाबू यहां पे जो वर्ब चाहिए वो पास्ट के टेंस को इंडिकेट करने वाला चाहिए। आप देखिए इज प्रेजेंट वाला हटाइए, आप प्रेजेंट वाला हटाओ, अब बचा वाज और वर, और ये दोनों पास्ट में, दोनों में डिफरेंस क्या है, वाज सिंगुलर वर प्लुरल, अब समझना पड़ेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ द टीम, अब देखिए यहां पे विद आपका प्रेपोजिशन है, और क्या बता चुका हूं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद बुआ ऑब्जेक्ट होता, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता, सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी विद प्रेपोजिशन से दो नाउन यहां रिलेट हो रहा, लेकिन आपका सब्जेक्ट पहले वाला है यानी द कैप्टन है यानी सिंगुलर है, आप मेंबर्स पे ध्यान ना दें क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इतनी औकात नहीं कि ये वर्ब डिसाइड करे, वर्ब डिसाइड करेगा सब्जेक्ट यानी कैप्टन, सिंगुलर होना चाहिए वाज, वर नहीं चलेगा। तो राइट ऑप्शन बी बिफोर बॉम्बे, आई थिंक सीज नेहा यादव है, अरे बाप रे शिवम ने लिखा ऐसा, किसी तरह चार्ली तुम रही हो यहां रहो ए किसु रही हो या रहा हो, भाई पढ़ लो, जेंडर पे ध्यान ज्यादा नहीं देने का, हंसी मजाक बाद में कर लेंगे। अंकित सिंह ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है, हाँ आपको भी कॉम्प्लेक्स कर सकती है ये। चार्ली, मयंक राज, फ्री कब तक हो रहे हैं सर, फ्री कब तक हो रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट के बाद विवाह हो जाएंगे, उसके बाद आ जाइएगा। चलिए 19, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स व्हाट, अप्रोच क्या होगा भैया, सब चार्ली के पीछे पड़ गए, अरे भक्चोनहर काहे पर पीछे रहे, कुछ चीज हमारे लिए भी छोड़ दिया करें क्या पंकज जी, है ना। चलो भैया आंसर दो, पूजा कुमारी शी, राहुल कुमार लीव है, स्नेहा शी, अंकित सिंह हंस रहे हैं, भैया हम भी इंसान हैं, राकेश विश्वकर्मा जी, बीच बीच में राकेश जी गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होना, ईमानदारी से हर एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए अंचला, ये लोग चार्ली को गायब कर दिया, रे भक्चनहर साहब आइए यहां पर, वर्ड आया है अप्रोच, अप्रोच वर्ड का मीनिंग क्या, पहुंचना, रीच करना या एक्सेस करना, क्या करना भैया, एक्सेस करना। अब देखिए ऑप्शन ए में आया है मीट, भाई मीट का मीनिंग क्या होता है, मुलाकात होना यानी इनकाउंटर, जब आप सामने होते हैं, जब आप कन्फ्रंट होते हैं, CONFRONT, आमना सामना होना, इसको बोलते हैं मीट। ऑप्शन बी में नियर वर्ड आया है, नियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल क्लोज होना, और ऑप्शन डी सी में एवॉइड है वर्ड है, और एवॉइड का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी भी चीज से क्या है, दूर है, यानी आप लिख सकते हैं कीप अवे फ्रॉम, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज से आपको दूर रहना है, और ऑप्शन डी में रीच, और रीच का मतलब क्या होता है भैया, पहुंच बोलिए, एक्सेस बोलिए, अप्रोच बोलिए, और क्या बोल सकते हैं, रीच ही लिख दो, रीच तो है ही, एक्सेस लिख देता हूं, है ना जी। अब आइए अप्रोच का क्या फाइंड करना, एंटोनिमस मीट ये तो होगा नहीं भैया, नियर का कोई सेंस नहीं, रीच तो सिनोनिमस हो जाएगा, मतलब अप्रोच मतलब पहुंचना, और अवॉइड यानी आप पहुंचने की बात नहीं कर रहे, आप उससे दूर भाग रहे हैं, राइट ऑप्शन सी सी फॉर कैनेडा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, हर एक वर्ड आपका क्या होगा भैया, वर्ब होगा,
क्वेश्चन नंबर 20 इनकरेक्टली स्पेल्ड बताबो। चलिए बहुत सुंदर, चार्ली शी, ये भी ढीठ है, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, है ना जी। राहुल कुमार भी, सब भक्षणर चार्ली को भगा दिया, भगा दिस, ये दिस क्या है भैया। राहुल सिमिलर में नियर होगा, हो सकता है राहुल वह होगा। कोमल ए शकीना ऑलरेडी, कोमल ऑलरेडी, शिवम स्नेहा किशु, पूजा अंचला स्नेहा के भारती, राकेश विश्वकर्मा, अंकित सिंह, चार्ली आ गई क्या, आ गई या आ गया, देख रहे हैं छोड़ा सबके, सबको पीट डालेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका 20 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बोर्ड ऑलरेडी। भाई मेरे होता है ALREADY ऑलरेडी, और इस ऑलरेडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिफोर, यानी जो चीज आप पहले से, आप बोलते हैं ना आई हैव ऑलरेडी डन माय ड्यूटी, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है, या फॉर्मर। तो भैया यहां पर ऑलरेडी स्पेलिंग गलत, राइट ऑप्शन ए होगा आपका। इंटेंड, यहीं से वर्ड क्या बनता है आपका, मोटिव, इरादा, यहीं से आपका नाउन क्या बनेगा, इंटेंड से बनेगा इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। ऑप्शन बी में आया है डिसरप्ट, डिसरप्ट का मीनिंग आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब, यानी परेशान होने की बात कर रहा, और पेशेंट मतलब धैर्य, यानी टॉलरेंस, टॉलरेंट आप बोल सकते हैं, TOLERANT। तो कुल मिला के राइट ऑप्शन ए हो गया आपका। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें, ये ऑलरेडी वर्ड जो है ये कई बार एडवर्ब के तौर पे, इंटेंड आपका वर्ब है, डिसरप्ट आपका वर्ब है, पेशेंट आपका एडजेक्टिव है, और यही पेशेंट अगर रोगी हो जाए तो बाबू कॉमन नाउन हो जाएगा। अरे राहुल काय ऐसे करते हैं जी, पढ़ाई लिखाई ना करेंगे, एक तो भक्चोलर बोल रहे हो, दूसरा हंस रहे हो, तेसर सॉरी भी बोल रहे हो, हाथ तोड़ देंगे बउआ तोहर। S4 सॉरी चार्ली जी, अगर आप पते नहीं है चार्ली हमर के। चलिए इसको रहने दीजिए, 21 to 25 क्लोज से सॉल्व कीजिए। सब बोल रहा है सर, सबको गोली मार देंगे बउआ, है ना, ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए। शिवम प्रसाद, बहुत मुझे पता है कौन है। ये जो अंचला है, ये 4 बजे वाली बैच में आती, इसका मन मेरा जानते क्या मन था, चाय में जहर मिला के मार दें, ये स्टूडेंट सब भगचुनहर सब है। शिवम प्रसाद, आई नो समथिंग समथिंग, पगला जाओ, आंसर मत करो, यही सब करो, हम भी क्लास कल से यूट्यूब पे बंदे कर देते हैं, मेरा भी, हाँ बिल्कुल, चाय में जहर दे के मार देंगे। कोमल साउसी, देखिए फटाफट ईमानदारी से पढ़ लीजिए, बहुत हंसी मजाक हो गया, आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए। पूजा ने आंसर दिया, वेरी गुड। देखिए ये स्टूडेंट है, पूरे एकदम फोकस के साथ पढ़ती है ना, इसको बोलते हैं स्टूडेंट, बाद बाकी सब भक्षोनहर। ये भी स्टूडेंट हुआ किशु, लेकिन ये भी मजा ले रहा था आज, उठा उठा के पटकेंगे क्लास में। कोमल दीदी, ये भी स्टूडेंट ठीक है। शिवम प्रसाद, कोमल साहू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शिवम भी आज बदमाशी किया है ना, पूरा नोट करके रखिए, सबको डगाएंगे लाठी से। अंकित सिंह, क्वेश्चन लॉन्ग है, हंसने में मजा आता है, क्वेश्चन लॉन्ग है भक्चोनहर। अंकित सिंह, बहुत बहुत लॉन्ग नहीं, अच्छा है। शिवम प्रसाद, हम भी ठीक हैं सर, ठोक के ठीक कर देंगे बाबू। किशु जायसवाल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंचला कुमारी के भारती, बहुत बढ़िया जी, लाजवाब। ये सब स्टूडेंट कितनी सिंसियर स्टूडेंट है, पढ़ाने में मजा आता है इन लोग को। भाई सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। पूजा कुमारी, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूं। सकीना वन, राकेश विश्वकर्मा, किशु जायसवाल, कौन है ये चार्ली, दीदी जी हैं। चलिए भाई आपने आंसर कर दिया, अब हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझिएगा, बीच में मजाक मत कीजिए। मैंने तो सीधा राकेश विश्वकर्मा 5 का A, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए जी, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, इधर उधर ध्यान ना दो,
नहीं तो क्या करेंगे, यहां से सीधा ब्लॉक मार देंगे, है ना जी। आइए यहां पर 21 to 25 क्या बोल रहा, एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट हैज चेंज और इज चेंजिंग, सम डैश सच एज द प्री हिस्टोरिक सैबरे टूथ टाइगर डाइड आउट एंड सम आर डैश डाइंग आउट समटाइम्स न्यू स्पीसीज अपीयर द डॉग इज डैश स्पीसीज विच मैन हैज कॉज टू डैश फ्रॉम द वल्फ। तो कुल मिला के आंसर जो है आप लोगों ने दे दिया है, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। Every living species, प्रजाति की बात, of our planet has changed. मतलब ये जो species है ना, प्रजातियां ना, ये चेंज होते रहती है। डायनासोर कभी था कभी नहीं है, टाइगर मतलब बहुत दुर्दशा स्थिति है कि मतलब कब विलुप्त हो जाए मालूम ना चले, तो वही बोला गया चेंज होते रहता है, changed और is changing, some dash, some species, some samples, some strains और सब स्पेसिमेन। देखिए स्पेसीज की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे प्रजाति है जिसके सैंपल अब मिलते ही नहीं है, तो ना स्पेसीज वर्ड होगा, ना स्ट्रेन्स वर्ड होगा, ना स्पेसिमेन्स होगा, सैंपल्स, सम सैंपल्स सच एज द प्रीहिस्टोरिक, पहले के इतिहास की बात कर रहा, सैबरे टूथ टाइगर डैश डाइड आउट एंड सम आर डैश डाइंग आउट, डाइड आउट। अब ये डाइड वर्ड का थर्ड फॉर्म हैव, हैविंग, हैज और हैड। अब देखिए हैविंग यहां पर तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट आप टाइगर का इस्तेमाल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब और ये डाइड आपका मेन वर्ब। अब आप क्या करेंगे, यहां पे होना क्या चाहिए, तो एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट हैज चेंज्ड और इज चेंजिंग सम डैश सच एज प्री हिस्टोरिक द प्री हिस्टोरिक सैबर टूथ टाइगर। अब टाइगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हैव तो होगा नहीं, पहली बात ये, दूसरा हैज हैड। अब आप क्या करेंगे यहां पे, तो बहुत ऐसे जो डाइड आउट हो चुके हैं हैज का इस्तेमाल कीजिए, डाइड आउट एंड सम आर डैश डाइंग आउट, सम आर डैश आर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस डाइंग आउट, तो रेगुलर ऐसा नहीं कि डेली होता है, रेगुलरली नहीं, रेडिली वर्ड का मतलब होता है तत्परता से, ये भी नहीं, डेलिबरेटली जानबूझ के ऐसा नहीं हो रहा, ग्रेजुअली मतलब स्लोली धीरे धीरे ऐसा दिखने को मिलता है, कुछ कुछ प्रजाति लुप्त होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली राइट ऑप्शन डी डी फॉर डेल, डाइंग आउट, समटाइम्स न्यू स्पीसीज अपीयर, कभी कभी ऐसा भी होता है पुराने वाले जाते हैं तो नए वाले आते भी हैं, समटाइम्स न्यू स्पीसीज अपीयर द डॉग इज डैश स्पीसीज द डॉग इज द डॉग इज ओनली द डॉग इज द डॉग इज एन द डॉग इज द स्पीसीज विच और विच का इस्तेमाल यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर में इनडेफिनिट सेंस आर्टिकल द नहीं ओनली नहीं और यहां पर एन नहीं होगा द डॉग इज अ स्पीसीज राइट ऑप्शन सी सी फॉर कैनेडा विच मैन हैज कॉज टू डैश फ्रॉम द वॉल्व बोला जाता है भेड़िए से निकला है। एक्सपेंड वर्ड का मीनिंग होता है लार्ज करना, यहां पर शेप और साइज की बात नहीं है। इमर्ज का मीनिंग होता है अपीयर होना, अपीयर होने की बात यहां पर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। डिराइव का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना यानी रिटेन करना, रिटेन करने की बात नहीं है। और इवॉल्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है जी, अवतार होना, ई का मीनिंग एग्जिट और वॉल्व का मीनिंग रोल मार के बाहर निकलना, अवतार होना, तो जब किसी का अवतरण होता है उसको इवॉल्यूशन बोलते हैं और यही शब्द आता है रिवॉल्यूशन। तो इवॉल्व फ्रॉम द वॉल्व राइट ऑप्शन डी डी फोर डेली आपका माना जाएगा। तो आपका सेशन यही पे कंप्लीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। 22 नंबर में हैज कैसे होगा है? एक मिनट हैज ग्रेजुअली क्या होगा, 22 में हैज कैसे होगा, हैज ही तो होगा ना राकेश सर, आपका क्लास में पढ़ने में अच्छा लगा, गुड नाइट सर। ओके जी, अगर अच्छा लगा तो डेली आइए, हैज ही होगा, पूजा देख लो बढ़िया से, हैज ही होना चाहिए क्योंकि आगे देखिए आर लिखा हुआ है, सारा प्रेजेंट में जा रहा है ना, आप उसको पास्ट में कैसे ले जाइएगा, प्रेजेंट में जा रहा है मामला, तो हैज ही होना चाहिए सर। 22 नंबर नो डाउट सर, 22 नंबर नो डाउट मतलब डाउट नहीं है ना बाबू, सकीना डाउट तो नहीं है ना, एक बार कमेंट कीजिए। और पूजा आपको आपके समझ में आया 22 में हैज कैसे होगा, होना चाहिए ना सर, एक मिनट मैं आ जाता हूं देख लेता हूं, 22 में क्या होना चाहिए, क्षमा एक मिनट, सच हैज द हिस्टोरिक सर टूथ टाइगर, यहां पे टाइगर ना है, देखिए यहां पे सिंगुलर टाइगर ना है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होना चाहिए, डाउट है सर, हैव होना ना चाहिए सर, एक मिनट
नहीं सर, समझ नहीं आया। है वो ना, एक मिनट। एवरी इवनिंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट हैज चेंज्ड और चेंजिंग सम डैश सच एज द बीस्ट, एक सम डैश सच, एक मिनट। या है होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पर शाम और यहां पे ये सच एज करके एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिया है। सॉरी, बिल्कुल मैं गलत जा रहा था, माफी चाहूंगा। ये सम और यहां पे 21 में जो आपका सैंपल्स आया है इसके अकॉर्डिंग यहां पे हैव आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, कहां पर बिल्कुल गलती हो गया हमसे, ये हैव ही होगा आपका, ये हैज नहीं होगा। और क्यों आया? क्योंकि यहां पे सम सैंपल्स की बात और ये सच एज करके आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट आपका सैंपल ही है जिसके अकॉर्डिंग यहां पर हैव ही होना चाहिए, माफी चाहूंगा। है ना जी? सब अब समझ में आया कि नहीं आया? हैव ही होना चाहिए, बिल्कुल पूजा सही बोला आपने, हैव होगा। अब किसी को डाउट है थोड़ा सा भी? अगर डाउट नहीं हो तो एक बार बोल दीजिए, फिर विदा लेंगे, कल रात में मुलाकात करेंगे। सर 1 घंटा कैसे बीता पता ही ना चला, मजा आ गया, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जी। सर यही डाउट था, अब डाउट नहीं है ना? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नो डाउट सर। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। जो भी नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सभी लोग नहीं करेंगे गोली मार देंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।